अस्सलाम वालेकुम सारा, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। हमें बताएं आपने पास्ट में क्या किया हुआ है अबाउट योर स्टडीज, और रिसेंटली अभी आप क्या कर रही हैं? अच्छा, सबसे पहले तो मैंने फास्ट से किया है BBA बैक इन 2015, स्टार्ट हुआ था 2019 तक। उसके बाद आई वेंट टू स्काफा लाहौर, वहाँ से मैंने प्रोफेशनल पेस्ट्री प्रोग्राम किया, और अभी बस आई हैव स्टार्टेड माई ओन कैफ़े, तो बस फुल टाइम वही चल रहा है। जैसे आपने अभी मुझे कहा कि आपने अपनी बेकरी अभी रिसेंटली स्टार्ट की, तो उसके बारे में कुछ हमें बताएं। अच्छा, जून सबसे पहले उसकी लोकेशन है SNDHA1 अगर कोई आना चाहता है, और सेकेंडली इसमें यह है कि वहाँ पे हमने कॉफ़ी भी रखी हुई है, सेवरी भी है, डिज़र्ट्स भी हैं, सारा कुछ है, और वी हैव आवर किचन देयर, प्रोडक्शन किचन ही हमारा वहाँ पे, जो हम सब कहते हैं ना व्हाट इज़ योर यूनिक सेलिंग पॉइंट, तो हम सब कुछ वहीं फ्रेश बनाते हैं और वहीं से वो काउंटर में आता है, तो एवरीथिंग इज फ्रेश, और बाकी यही है। वैसे व्हाट्स द थॉट बिहाइंड जून? आई स्टार्टेड माई होम बिजनेस इन जून, और अभी इसकी भी टाइमलाइन ऐसी बनी, ऑल्दो ये बहुत मतलब एकदम एब्रप्ट डिसीजन था, मैंने फरवरी में डिसाइड किया कि अच्छा अब टाइम आ गया मुझे खोल लेना चाहिए, तो उसकी जो टाइमलाइन बन रही थी वो फिर जून में खुल रहा था, तो फिर बस मैंने कहा जून इज़ माय लकी मंथ। तो आपको कैसे पता लगा कि ठीक है मुझे इस फील्ड में आना है, या कब इंटरेस्ट इसमें डेवलप हुआ, या पता लगा कि दिस इज़ माई पैशन और मैं बेकिंग या इस तरफ आऊँ? ये तो मेरा सब कुछ बहुत प्लान्ड था, बिज़नेस की डिग्री भी मैंने इसीलिए की, फिर प्रोफेशनल पेस्ट्री प्रोग्राम भी मैंने इसीलिए किया, बिकॉज स्टार्ट तो मैंने बचपन में वो जो होता है अपने मामा के साथ स्टार्ट किया किचन में, फिर 9th 10th के बाद से मैंने सोचना शुरू कर दिया था कि अच्छा जब भी होगा मैंने खोलना कैफ़े। अभी आई मेट अ फ्यू फ्रेंड्स, तो हम बात ये कर रहे थे कि तो उसने कहा, मुझे खुद उससे याद है, मैंने कहा ये तो मैं तब से कह रही हूँ, 9th 10th से यूनिवर्सिटी सॉरी स्कूल लेकर आती थी चीज़ें, तो हम तब सबका ये होता था बस अब जो है ना आगे यही करना है इंशाल्लाह। उसके बाद यूनिवर्सिटी जब स्टार्ट हुई थी तब मैंने साथ अपना बेकिंग का बिज़नेस भी स्टार्ट कर दिया था, कस्टम केक्स और कपकेक्स लेने का ऑर्डर्स लेना स्टार्ट कर दिए थे, और फिर आफ्टर ग्रेजुएशन आई वाज लाइक तब बहुत इस्टेब्लिश हो चुका था, 4-5 साल मैंने इस्लामाबाद पिंडी में काफ़ी क्लाइंट बेस बना ली थी अपनी, तो फिर आई वाज लाइक इसी में इन्वेस्ट करते हैं बजाय इसके कि कहीं और इंटर्नशिप करें या कुछ आए, तो फिर स्काफा लाहौर गई और उसके बाद बस नाउ वी आर हियर। लेकिन मतलब काफ़ी लंबी जर्नी थी, अगर आप बताएं कि आपने अपने 9th 10th वाले टाइम से सोचना स्टार्ट किया, तो कोई इश्यूज कोई मसले आए, या बहुत दफ़ा लोग ये भी सोचते हैं ना कि प्लान होता है दिमाग में लेकिन ये बात होती है कि पता नहीं चलेगा नहीं चलेगा या क्या मसले होंगे। अच्छा, एक फाइनेंसिस वाली बात होती है कि अब सर्टेन अमाउंट हिट करूँगी तब करूँगी, तो मतलब आपने कैसा रही पूरा एक्सपीरियंस? यार मेरा ये था कि वही वाली बात है, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में तो मैं बस वैसे ही बना के ले जाती थी, हम वन डिश करते थे कॉलेज में और इस तरह, तो तब से मैं घर पे कहती रहती थी, और तब नया नया ना कस्टम कपकेक्स केक्स का आ रहा था ट्रेंड स्टार्ट, दैट इज़ लाइक 2013-14 में, तब 2-3 पेजेस ऑनलाइन आए थे जिन्होंने ये चीज़ें बनाना शुरू की थी, तो उसको देख के मुझे होता था कि अगर ये कर रहे हैं तो मुझे भी कर लेना चाहिए सारा कुछ, लेकिन उस सारे सोचने और वही जो आप सब किसी को बताते हो आगे से हंसते हैं कि अच्छा देखेंगे जब हो जाएगा, वो वाली चीज़ थी, और जो मैंने स्टार्ट लिया था वो तो एकदम से ही हुआ था, बिकॉज अ फ्रेंड ऑफ अ फ्रेंड वांटेड टू ऑर्डर कपकेक्स, और उसने कहा कि छोड़ो तुम बस इससे बनवा लो और ये ले कर लेगी, इसको ऑर्डर प्लेस कर दो, तो शी प्लेस्ड एन ऑर्डर विद मी, और मैंने भी पता नहीं बस ले लिया, हालांकि उससे पहले मैंने नहीं बनाए थे कभी फॉन्डेंट वाली चीज़ें, बट मैंने कहा हाँ हाँ मैं कर लूँगी बना देती हूँ, तो शी प्लेस्ड एन ऑर्डर एंड दैट वॉज 11th June 2015, मुझे याद है डेट, वो मैंने अपने फेसबुक पे लगाया हुआ भी है काफ़ी, तो मुझे मेमोरीज आती हैं हर साल, तो उसने ऑर्डर प्लेस किया और मैंने दे दिया, और वो जब पहला हो गया ना उसके बाद मैंने फिर चीज़ें ऑर्डर की कि जो ज़्यादा कलर्स और इस तरह की, वो मैंने की थी 15-20,000 रुपीज़ मेरे पास सेविंग थी, एक कराची का कोई ऑनलाइन पेज था, मैंने उसे ऑर्डर कर दी चीज़ें कि बस सारे घर आ जाएँ, थोड़े बहुत बेकिंग पैन और ये वो, तो बस इस तरह स्टार्ट हो गया था, उसके बाद फिर और लोगों ने ऑर्डर करना शुरू कर दिया उनको देख देख के, बहुत काम था महीने में 2-3 इस तरह, फिर जब यूनिवर्सिटी स्टार्ट हो गई तो फिर सब, जब आप स्टार्ट में पूछते हैं ना क्लास में कि आप क्या कर रहे हैं वाई BBA, और ये हमारा पहला क्वेश्चन होता था, तो उन्होंने जब पूछा तब मैंने कहा कि हाँ मैं तो कर रही हूँ ऑलरेडी, मैं इसी को करूँगी, तो तब सबको पता चल गया अच्छा ये एक है क्लास में जो बनाती है, फिर उन्होंने ऑर्डर्स देना शुरू कर दिए, तो इस तरह से स्टार्ट हो गया। आज आपकी पूरा कैफे है, तो कैसी अचीवमेंट, कैसा फील होता है कि इतनी यंग एज में आपने ऐसे अचीव किया, कुछ यू स्टार्टेड ऑफ योर ओन?
एक तो इट इज़ ओवरवेलमिंग बहुत ज़्यादा, अभी तक एकदम से जब मैं जाती ना कहती हूँ अच्छा ये हो चुका है, लेकिन जब स्टार्ट हुआ था ना मुझे लगता था मैं लेट स्टार्ट कर रही हूँ। मैंने अपने आप को डेडलाइन दी हुई थी कि मैंने 25 से पहले पहले ना खोल लेना है इसको जाके, लेकिन जब भी मैं करने का मतलब सोच रही होती थी ना फिर चलता था कि नहीं अभी बहुत बड़ा रिस्क है, प्लस भी वो कोविड वाली सिचुएशन हो गई सारी आफ्टर, मैं अभी स्काफा में ही थी तो कोविड हिट, तो फिर उसकी वजह से थोड़ा डिले हो गया। लेकिन यह है कि अभी इट्स अल्हम्दुलिल्लाह रिस्पांस बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, मतलब अल्लाह का शुक्र है। काफ़ी लोग आके सारे कहते हैं कि आपने एक इंटरनेशनल लेवल का बनाया है हमें, हर कोई मतलब, तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ होती है कि कोई आपको कह रहा हो आके कि अच्छा ये कोई चेन है जिसका आपने फ्रेंचाइज ली है या ये आपका अपना है, तो उस तरह से मतलब अल्हम्दुलिल्लाह इट हैज़ बीन ग्रेट। जैसे आपने कोविड का भी बताया कि कोविड आ गए थे, तो कोविड आपके लिए ब्लेसिंग थी या जैसे बहुत सारे लोगों ने सफ़र किया बिजनेस में, तो आपका बिजनेस कोविड में कैसा था? मैं कोविड के टाइम पे आई वाज इन लाहौर स्काफा में, उन्होंने छुट्टियां दी मैं वापस आ गई उस वक्त ना, वहाँ पे भी हमने सीएमएच लाहौर में एक इवेंट हुआ था तो वहाँ पे मैंने एक स्टॉल लगाया था और अपने दोस्तों के साथ इसी तरह की हम चीज़ें करते रहते थे, तो मेरे पास लेफ़्ट ओवर पैकेजिंग थी काफ़ी सारी, रैंडमली मुझे ख्याल आया कि अच्छा इस पैकेजिंग को यूटिलाइज़ कर लेते हैं, तो मैंने एक लेयर्ड डिज़र्ट बनाया ओरियो डिलाइट के नाम से और वो काइंड ऑफ इट वेंट वायरल, तो उसके बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली ऑर्डर आए, तो मेरा वो वाला जो साल था उसमें तो सिर्फ मैंने ओरियो डिलाइट बनाई है, उसके अलावा कुछ नहीं बनाती थी, कहती थी इतने ऑर्डर्स होते थे लाइक दिन के 50 boxes, 80 boxes इस तरह होते थे, फिर वही मैंने स्टॉक भी कराना शुरू कर दिया एक दो जगहों पे, लोग वैसे भी बाय नहीं जा सक रहे होते थे तो बस वो पिक कर लेते थे या घर से ऑर्डर कर लेते, तो मेरे लिए तो वो वाला टाइम तो बड़ा अच्छा शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह लाइक हाँ मेरे लिए अच्छा था वो वाला टाइम। अच्छा अब हम इस बात करते हैं कि मतलब आप इंडिपेंडेंट हैं, आप अपना कैफे खोल रहे हो, तो कितना इंपॉर्टेंट है या कितना ज़रूरी है आपका, तो एक बहुत ग्रैंड स्केल पे लेकिन आपने बहुत बेबी स्टेप से स्टार्ट किया, तो हाउ इम्पोर्टेंट इट इज़ टू बी सेल्फ इंडिपेंडेंट या सेल्फ सफिशिएंट स्पेशली फॉर गर्ल्स दीस डेज? आई थिंक इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आजकल तो वैसे ही जो हालात हो चुके हैं यू कैन नॉट लाइक रिलाई ऑन एनीबडी, ठीक है। मेरा ये है कि ऑनेस्टली मैं तो अगर ना भी कर रही होती अल्हम्दुलिल्लाह मैं उस चीज़ को अपनी प्रिविलेज को बिल्कुल भी वो नहीं करती कि मेरे पास नहीं है, मेरा घर का बैकग्राउंड और सारा कुछ बहुत हेल्दी इन्वायरमेंट में रही हूँ हमेशा, और लाइक अगर मैं इंडिपेंडेंट हूँ तो मैं उनकी वजह से ही हूँ। 18 ईयर्स की जब मैं हुई थी ना तो मेरे आईडी कार्ड के साथ मेरा ड्राइविंग लाइसेंस भी आया था, तभी मुझे बाबा ने सिखा दी थी कि अच्छा ड्राइविंग जो है ना आनी चाहिए, हर चीज़ आपको खुद करना आना चाहिए, तो वो है। लेकिन जहाँ तक फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस वाली बात है, अब तो बहुत ज़रूरी है बिकॉज इट एम्पावर्स यू सबसे ज़्यादा, हर चीज़ बहुत कॉन्फिडेंटली काम करते हैं आप, अपने डिसीजंस बहुत कॉन्फिडेंटली लेते हो, आपको पता होता है कि यार यू आर वर्थ समथिंग, तो आपको मेरे ख्याल में तो हर किसी को करना चाहिए बिफोर एनीथिंग एल्स स्टार्ट समथिंग ऑफ योर ओन। और मेरा तो बिल्कुल वैसे भी जॉब वाला भी नहीं माइंडसेट, मैं तो किसी के सामने उस तरह से भी काम नहीं कर सकती, तो अगर तो ये वाला है तो जो भी चीज़ है किसी छोटे स्केल से किसी के आप अपने लिए कर रहे हो अपनी मर्जी से। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट जैसे आपने बताया कि आपने ऑर्डर्स घर से लेना स्टार्ट किया, ये भी ज़रूरी नहीं है कि अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो आपको घर से ही निकलना है और आपको 9 to 5 जॉब करनी है, ये है कि अगर आपका कोई भी टैलेंट है या कुछ भी है तो आप अपने घर से बहुत स्मॉल स्केल पे स्टार्ट कर सकते हैं और अपने आप को इंडिपेंडेंट कर सकते हैं। उसका यही है कि मोस्ट ऑफ द पीपल जस्ट कीप ऑन मेकिंग एक्सक्यूजेस, तो अगर आप एक्सक्यूजेस ढूंढोगे आपको सिर्फ एक्सक्यूजेस मिलेंगे, अगर आप सोल्यूशन ढूंढोगे तो आपको सोल्यूशन मिलेगा, सोल्यूशन सारे आपके सामने होते हैं आप सिर्फ हिम्मत नहीं करते, क्योंकि मैं तो मुझे ये लगता है ना कि आइडिया सबके पास होते हैं, सिर्फ वो एक जो स्टेप होते हैं ना वो नहीं कोई ले रहा होता कि पता नहीं क्या होगा नहीं होगा, मुझे तो बस ट्रस्ट करके आपको कर लेना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा खराब हो जाएगा। और वही वाली बात है, मे बी आई एम कमिंग फ्रॉम अ प्रिविलेज बैकग्राउंड में इसलिए कह रही हूँ, लेकिन फॉर वुमेन इट्स वेरी ईजी कि वो कर सके, अगर आप नहीं भी करें आपको खाना मिल जाएगा, आप अगर फेल कर लोगे कुछ भी नहीं जाएगा, तो फॉर वुमेन इट्स ईजियर कि वो एक्सपेरिमेंट करें और सब करें, हमारे ऊपर मोस्ट लाइक बहुत सारे लोगों पर जिम्मेदारी नहीं होती, लड़कों का ये होता है कि उनको काफ़ी यंग एज से कहना शुरू कर देते हैं कि नहीं तुमने तो करना ही करना है, हमारे पास वी हैव ऑल आवर लाइफ, हम जब मर्जी एक्सपेरिमेंट करें, ज़ाया होगा क्या होगा दोबारा कर लो, तो ये है। अच्छा जैसे हमारे YouTube का स्लोगन है कि आई कैन यू कैन टुगेदर वी ऑल कैन, तो इसके प्लेटफॉर्म के थ्रू अगर आप कोई मैसेज देना चाहें? बस यही ही है कि जस्ट लाइक बिलीव योर गट फीलिंग, गो फॉर योर इंस्टिंक्ट, और अगर आपको लग रहा है आप कर सकते हैं तो आप कर सकते हैं, कोई नहीं आपको रोक सकता वो चीज़ करने से। इट वॉज वेरी नाइस हैविंग यू सारा, थैंक यू सो मच। थैंक यू।